हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं पपाया फेस पैक एंड बॉडी पैक है ये। और अगले वीडियो में आपको हम बताए थे स्क्रब क्लिंजर, इसका फुल डिटेल वीडियो एक एक करके दिए हुए हैं प्रियंका डीसीबी चैनल पे। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रियंका डीसीबी चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पैक को कैसे लगाना है बॉडी और फेस पे, और इसे लगाने के बाद कितने देर तक रखना है, और इसे कैसे हम धो सकते हैं, और इसके बेनिफिट क्या क्या है, और इसमें क्या क्या मिक्स है, और इसका प्राइस क्या है, कैसे परचेस कर सकते हैं, ये सब कुछ ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह डेली रिव्यू वीडियो और कुकिंग का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रिव्यू वीडियो और कुकिंग का वीडियो दोनों मिलता है। उससे पहले आप लोग को दिल से शुक्रिया था कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का इस तरीके से डिब्बी बना हुआ होता है, और इस पे पपाया का फिगर बना हुआ था, और पपाया फेस पैक है ये। और इस तरीके से आपको एक स्पून मिल जाता है, और यहाँ से लॉक खोलने वाला दिया हुआ है। इसमें दो लोग आराम से पैक को लगा सकते हैं, दो लोग इसमें स्क्रब भी कर सकते हैं, और क्लिंजर मसाज क्रीम सब कुछ का वीडियो एक एक करके अपलोड किए हुए हैं। और ये फेसियल वाला है, फेसियल का एक एक चीज आपको हम डिटेल में बताए हुए हैं, और पैक सबसे लास्ट में यूज किया जाता है, और पैक कब लगाते हैं, और पैक लगाने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो बताते हैं। तो अब पहले इसके बात करते हैं प्राइस का। तो इसका प्राइस आपको मिलता है 250 रुपीज, और इसका क्वांटिटी भी 250 ml का ही है, और इसका आपको सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स से मिल जाता है, 23 से 25 6 तक आप इसे यूज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का ये पैक होता है, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी जिस कलर का होता है बिल्कुल उस तरीके का ये इसका कलर इस पैक का। और इस पैक को आप लगा के इस तरीके से आपको छोड़ देना, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिक्स करना है, बस ये पैक लेना है। जो क्रीम पहले हम बताए थे आपको वो मसाज क्रीम के बाद ये पैक लगाना है आपको। तो पैक लगा के आप बॉडी और फेस दोनों पे छोड़ दीजिए इसी तरह से लगा हुआ, और उसके बाद जब आपको ऐसा महसूस हो कि पैक आपका सूख गया है 15 से 20 मिनट के बाद, आपको पूरा ड्राई नहीं करना है पैक को, बस 15 से 20 मिनट के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका पैक हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। मसाज भी नहीं करना है बिल्कुल, ना ही गुनगुना पानी लेना है आपको, ना ही गर्म पानी लेना है, बस नॉर्मल पानी लीजिए और अच्छे से अपने चेहरे को धो लीजिए। और धोने के बाद आपको ना ही फेस वॉश यूज करना है, ना ही मॉइस्चराइजर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। 2 से 3 दिन तक आपको अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं और सोचते हैं कि आपके चेहरे पे ग्लो आए, नेचुरल ग्लो आए, आपका चेहरा बिल्कुल दमके, तो आपको 3 दिन तक चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना रहता है फेसियल करने के बाद। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और 3 दिन के बाद आपको ऐसा खुद आपको महसूस होगा कि आपके चेहरे पे निखार आ रहा है, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। फेसियल का यही स्टेप होता है कि फेसियल करने के बाद 2 से 3 दिन तक आप बिल्कुल भी अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। और खास करके ये पपाया फेसियल है, आयुर्वेदिक है, तो इसलिए हम आपका रिव्यू इसके साथ आप लोग के साथ शेयर किए हैं कि जो लोग सोचते हैं आयुर्वेदिक चीज यूज करना, यानी आयुर्वेदिक पपाया फेस पैक लगाना या स्क्रब करना, मतलब फेसियल कराने के लिए आप कौन सा फेसियल कराते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पपाया फेसियल अगर आप कराते हैं तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि ये हर्बल है, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए पपाया फेसियल अगर आप चाहते हैं तो करा सकते हैं। और फेसियल कितने बार कराना चाहिए तो वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको फेसियल कराने की जरूरत है तो ही फेसियल कराइए, वरना फेसियल मत कराइए। फेसियल कराने से चेहरा जो है बहुत जल्दी खराब होता है, और आपको फेसियल साल में सिर्फ 2 बार ही कराना चाहिए, इससे ज्यादा आप कभी भी मत कराइए। और नहीं जरूरत है तो बिल्कुल भी आपको फेसियल कराना ही नहीं चाहिए, नेचुरल आपका ग्लो वही सही रहता है। और कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाएं, और एक एक बात डिटेल से आप लोग को जो नहीं समझ में आता है क्लियर करना चाहते हैं। और जो भी बात अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई हम देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का रिव्यू जो है पसंद आया होगा, और आप लोग पपाया फेस पैक यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको यूज करना है कि नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट आप कौन सा रिव्यू अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड देखना चाहते हैं, या कुकिंग का वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुकिंग के वीडियो में अगर आप पिज्जा का वीडियो देखना चाहते हैं, बिना टमाटर का सब्जी छोला बनाना चाहते हैं, एक एक करके मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है कुकिंग का, आप जाके देख सकते हैं। बिना ओवन का घर पे पिज्जा कैसे बना सकते हैं सब कुछ बताया है। तो मिलते हैं एक और नए रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।